students, welcome to Learn Chemie, your own chemistry classroom. You have finished environmental pollution and today we are going to start your new chapter, the very first chapter of your class, that is basic concepts in chemistry. Up to 10th, आप लोग पूरी साइंस के अंदर थोड़ा थोड़ा फिजिक्स का, थोड़ा केमिस्ट्री का, थोड़ा बायो का पढ़ते हो और वो क्वेश्चन आंसर्स लिमिटेड रहते हैं. अब हम इस चैप्टर के अंदर बेसिक्स पढ़ेंगे और ये बेसिक्स क्या हैं? इन बेसिक्स के अंदर रहेगा जो आप 9th में पढ़कर आए हो, जो आप 10th में पढ़कर आए हो, बस उन्हीं चीज़ों की रेपिटेशन है. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा इधर फोकस कीजिए. सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की. इट विल रिवाइज योर 9th क्लास चैप्टर्स आई थिंक. उसके बाद हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर हम यूनिट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो क्या होती हैं. देन वेरियस लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, वी विल रीड अबाउट देम. देन डॉल्टन्स थ्योरी, या पढ़ चुके हैं. कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, और फिर हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट. और लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक रहेगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, उसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे. ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं पिक करने वाली हूं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है. नाउ व्हाट इज मैटर, सबको पता है, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. कोई भी ऐसी चीज विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर. और आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो व्हाट आर वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, या सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आप पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, नाउअडेज प्लाज्मा भी हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर स्टडी करते हैं. लेटेस्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज प्लाज्मा. अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हम इसको किस किस तरीके से स्टडी करेंगे. अगर मुझे मैटर को क्लासिफाई करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल. ठीक है, अगर मुझे किसी चीज को फिजिकली क्लासिफाई करना है, मींस मैं उसको देख के ही बता दूं कि ये क्या चीज है, तो देखकर आप सिर्फ इतना बता सकते हो whether it is a solid, liquid or gas. तो this is physical classification. आपने देखा, आपने पानी का गिलास देखा and आपको पता है it is liquid. आपने कोई solid चीज देखी, आपने brick देखी, stone देखा, you know that it's a solid. और gases जो है आप उनको feel कर सकते हो, somehow vapors आप देख भी सकते हो, कुछ vapors. तो ये रही physical classification. अब जो हमारा केमिस्ट्री पोर्शन है, केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब देखिए केमिकली जब आपने किसी भी सब्सटेंस को देखा तो दो बातें होंगी, या तो वो होगा प्योर सब्सटेंस, जब आपने उसको केमिकली देखा या तो वो बिल्कुल प्योर होगा या क्या होगा, मिक्सचर. यही दो बातें हो सकती हैं कि आप उसके केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी करने लगे, तो या तो वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होगा या क्या होगा, मिक्सचर. ओके, अब अगर वो प्योर सब्सटेंस है तब कितनी टाइप का हो सकता है. अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो इट मे बी एलिमेंट और कंपाउंड. अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो या तो वो एलिमेंट हो सकता है या वो कंपाउंड हो सकता है. अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट के अंदर कार्बन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट, आयरन एलिमेंट, कॉपर एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको लिखे हुए हैं. सिंबल्स सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स. ठीक है, हीलियम, नियॉन, हर चीज दैट इज एलिमेंट. ओके, इस एलिमेंट को ना तो आप आसान तरीके से बना सकते हो, ना आप आसान तरीके से इसको आगे फर्दर तोड़ सकते हो. ठीक है,
तो एलिमेंट के अंदर ये सारी मैंने चीजें लिखी हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, या तो वो मेटल्स हैं या वो नॉन मेटल्स हैं, या क्या हैं? मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स आप जानते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज, टेंथ में आप पढ़कर आए हो इसको, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जानते हो, और मेटलॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन आती हैं, दोज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो ये था एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस दो तरह का है, या एलिमेंट या कंपाउंड। ओके, अब देखिए कंपाउंड कब बनता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट, किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा ग्लूकोज एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं? कंपाउंड्स। तो इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में, अभी जस्ट हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंपाउंड्स के नाम लिख दिए। अब देखो कंपाउंड दो तरह के होंगे, कौन कौन से? या तो ये होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या क्या होंगे? ऑर्गेनिक, या क्या होंगे? इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्या है? ये रही इनको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ऑर्गेनिक मींस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स के अंदर है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी की सारी किस्में रहती हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वो है जिनको हम माइंस में से निकालते हैं, अर्थ की क्रस्ट में से निकालते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह के कितने सारे, आयरन पाइराइट, कॉपर के हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो आप इनके अंदर मेनली लेते हो ओर्स एंड मिनरल्स को। इनऑर्गेनिक मतलब ओर्स एंड मिनरल्स। अब बारी आई इधर मिक्सचर की। इनऑर्गेनिक इट इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग सोर्स रहेगा इसका। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है? लिविंग थिंग्स। अब मिक्सचर, मिक्सचर मेरे पास दो तरह का है, कौन कौन सा? एक है होमोजीनियस, और दूसरा है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो होमोजीनियस मतलब जो एलिमेंट्स, अब पहले तो मैं मिक्सचर की बात करती हूँ, मिक्सचर कैसे बनता है? क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए फिक्स्ड रेशो थी, कंपाउंड के लिए रहती है फिक्स्ड रेशो, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दे कंबाइन टुगेदर इन एनी रेशो। आपने मिक्सचर कहाँ देखा होता है? आप खाने वाला मिक्सचर खाते हो, नमकीन, नवरत्न, है ना, उसमें कितना कुछ होता, मूंगफली होती है, सेवियां होती हैं, दाल होती है, मोठ होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि एवरी टाइम आप उसमें से एक चम्मच उठाते हो तो सेम नंबर ऑफ उसमें पीनट्स होंगे, सेम नंबर ऑफ उसमें सेवियां होंगी, सेम नंबर उसमें दाल के पार्टिकल्स होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अगर वो एक एक चम्मच आप चार लोगों को बांटते हैं तो हो सकता है एक को मूंगफली आए ही ना। ठीक है, तो मिक्सचर हेटरोजीनियस और होमोजीनियस। तो मिक्सचर मतलब किसी भी क्वांटिटी में आप उसको मिक्स कर देंगे, दैट विल बिकम मिक्सचर। अब होमोजीनियस का मतलब दो चीजें मिक्स तो की, लेकिन इस तरीके से मिक्स की कि वो हमें अलग अलग नजर नहीं आ रही हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, यहां फोकस करना जरा मेरी रिंग पे, आपको पता है ये 23 कैरेट गोल्ड है, ठीक, और प्योर गोल्ड कितना होता है? 24। तो आपने इसको देखा, आप अपने मदर की रिंग देख सकते हो, उसमें क्या कहीं पे भी आपको गोल्ड में जो चीज मिक्स की है वो नजर आ रही है? अब जब 24 कैरेट इट इज 100% गोल्ड, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, तो इसको
22 कैरेट में कन्वर्ट करते हैं, 23 कैरेट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो गोल्ड आप अपने आसपास देखेंगे आइदर इट विल बी 22 कैरेट और 23 कैरेट। तो गोल्ड के अंदर क्या मिक्स किया जाता है, सबको पता होगा, कॉपर। लेकिन जो भी गोल्ड का ऑर्नामेंट आप देखते हो उसमें आप कहीं पे भी कॉपर को पहचान नहीं सकते। तो इट इज होमोजीनियस, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। ओके, उससे भी बेस्ट एग्जांपल, आप लोग डेली ब्रश करते हो, पेस्ट जैसा शुरू में है, आप जिस दिन पहले दिन स्टार्ट करते हो लास्ट तक उसका टेस्ट भी वही रहता है और उसका टेक्सचर भी वही रहता है। और जरा अपने अपने पेस्ट की कॉम्पोजिशन पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या मिक्स किया है, उसमें फ्लोराइड्स हैं, उसमें एल्काइल सोडियम सल्फेट होगा और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड की होंगी, लेकिन वो 15 से 20 इंग्रेडिएंट्स आपको अलग अलग नज़र नहीं आते। तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब जो चीज़ें आपने मिक्स की वो आपको अलग अलग नज़र आ रही हैं, जैसे खाने वाला नमकीन, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा करें, पानी के अंदर सैंड मिक्स कर दें, थोड़ी देर उसको हिलाएंगे, सैंड घूमेगी, थोड़ी देर में वो सेटल हो जाएगी। दोनों चीज़ें पानी में अगर आप थोड़ा सा सैंड मिक्स करके उसको रखेंगे तो दोनों चीज़ें अलग अलग नज़र आती रहेंगी, तो दैट फॉर्म्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप जरा बोर्ड पे फिक्स करिए, अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सके। फिजिकली आप क्लासिफाई करते हो तो सिंपली सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, और जब आप केमिकल क्लासिफिकेशन करते हो इट विल बी आइदर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब अगर मिक्सचर है तो दो तरह का होगा, या तो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मैंने आपको बताया, जैसे 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है, टूथपेस्ट, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हम आपको देंगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे। हेट्रोजीनियस फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर, है ना, और या फिर आयरन, आयरन के पीसेस हमने लिए, आयरन पीसेस इन सैंड, ये भी अलग अलग नजर आते हैं। देन प्योर सब्सटेंस मे बी एलिमेंट और कंपाउंड। अगर एलिमेंट है इट मे बी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और अगर ये कंपाउंड है इट मे बी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग सोर्स से आएगा, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग सोर्स में से आएगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और हम एक एक करके इन सारी डेफिनेशंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन जो हम केमिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं उसमें देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में कौन था, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये बिल्कुल प्योर है एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू। ना तो आप इसको तोड़ सकते हो, नॉर बिल्ट फ्रॉम, ना इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना सकते हो, कैसे, आसान तरीके से। इट इज नॉट सो सिंपल कि आप ये बोलें कि आप चुटकी बजाए और मैंने कार्बन बना दिया, आपने चुटकी बजाई मैंने आयरन बना दिया। यू कैन नॉट फॉर्म आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एनी एलिमेंट, आप कमरे में बैठ के एलिमेंट नहीं बना सकते, और ना ही सिंपल फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से बना सकते हो, ठीक है। तो इट्स अ टीडियस प्रोसीजर, आसानी से ये चीजें नहीं बनती, ना ही इसको आप तोड़ सकते हो। अगर हमें एटम को तोड़कर उसकी न्यूक्लियर एनर्जी निकालनी है, जैसा हम न्यूक्लियर एनर्जी निकालते हैं पावर प्लांट्स के अंदर, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के ऊपर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए। एटम को तोड़ना है, उसके न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो आसानी से नहीं तोड़ सकते। आप आसानी से किसको तोड़ सकते हो, जो चीज आपको सॉलिड पोर्शन में दिखाई दे रही होगी तो आप किसी भी हैमर से उसको तोड़ सकते हो, लेकिन जब सिंगल एटम की बात आएगी, सिंगल एटम तो नेकेड आई से विजिबल ही नहीं होगी, तो उसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। दैट्स व्हाई इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो मैंने आपको जैसे इसके एग्जांपल्स बताए थे, इसमें आ सकते हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है ना, फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, सिलिकॉन एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए, एलिमेंट तीन तरह के हैं, आप क्लासिफिकेशन में देख कर आए हो। पूरा पीरियोडिक टेबल आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो, मेटल्स,
नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. पीरियोडिक जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में सारी की सारी मेटल्स, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हो नॉन मेटल्स, और उसके इन बिटवीन आते हैं मेटलॉइड्स. अब मेटल्स क्या हैं? दीज आर हार्ड, लस्ट्रस, डक्टाइल, मैलेबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज, ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये पढ़कर आए हैं बेटा आप लोग. तो दीज आर हार्ड, ठीक है. अब इसका की वर्ड देखिए, मर्करी जो है, इट इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन. सारे का सारा आपने सही लिख लिया कि ये होता है, ब्लस्टरस है, डक्टाइल है, मैलेबल है, लेकिन मर्करी जो है एक्सेप्शन क्या है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. और मर्करी से पहले मैं इसकी एग्जांपल देती हूं मेटल्स की आपको. फॉर एग्जांपल, अब जितनी मेटल्स को आप जानते हो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कीवर्ड क्या आया आपके पास, मर्करी. ठीक है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये आपका वन मार्क क्वेश्चन. अब नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आपको पता है मेटल से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट. तो दीज आर सॉफ्ट, नॉन लस्टरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलेबल. डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, और मेटल्स आर डक्टाइल. लेकिन नॉन मेटल की वायर्स नहीं बनती, नॉन मैलेबल इसकी शीट्स नहीं बनती. एंड दीज आर इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स मतलब दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब जरा एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एटसेट्रा, ये सारे के सारे. ओके, और ले लेते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स. ठीक है, अब इसका कीवर्ड क्या आता है, आयोडीन. नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करती है आयोडीन, इट इज हैविंग मेटालिक लस्टर. ये क्रिस्टल्स होती है, इट इज सॉलिड, सॉलिड है, और इसके क्रिस्टल्स जो हैं, दे आर हैविंग मेटालिक लस्टर. आपने ऊपर बात की कि यहां पे इंसुलेटर्स हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है कार्बन, कार्बन का एक एलोट्रॉप कौन, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमारे जितने भी ड्राई सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वो रहता है, इलेक्ट्रोड रहता है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन. तो एग्जांपल किसका आया, कार्बन का. तो ये नॉन मेटल्स के अंदर इसका की पॉइंट है. देन मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स को हम एक और नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल्स. और इनकी क्या है, दीज आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सबसे बेस्ट सिलिकॉन, सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल, तो इसको कंडक्टेंस नहीं करनी चाहिए. बट यू पीपल नो वेरी वेल, आपके सारे कंप्यूटर्स के अंदर जो माइक्रोचिप्स लगी होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन की. तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मींस सेमी मेटल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड. इसके अलावा स्टेनस है, एंटीमनी है, इंडियम है, तो बिस्मथ है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, मेटलॉइड्स के अंदर. तो ये थे एलिमेंट एंड इट्स टाइप्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो. थैंक यू.